हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद कनक। चने के सत्तू से बहुत सी रेसिपी बनाई जाती है। वैसे तो ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आज मैं चने का सत्तू घर पे बना रही हूँ जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे घर पर कैसे बनाते हैं। चने का सत्तू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चना लिया है और इसे हम अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसे 2 से 3 बार हम पानी से इसे अच्छे से धुल लेंगे, जिससे इसमें जो भी मिट्टी और केमिकल होंगे वो निकल जाएंगे। जब भी हम कोई चीज़ घर पे बनाते हैं तो वो मार्केट की चीज़ों से ज़्यादा शुद्ध और प्योर होता है। तो इस चने को देखिए, मैंने 2-3 बार अच्छे से धुल लिया है। अब हम इसमें पानी डाल करके भिगो देंगे। तो इसे हम पूरा भर देंगे, तो दुगुना पानी हम डाल करके इसमें भिगो देंगे। मैंने इसे ओवरनाइट भिगोया है, आप चाहे तो 5-6 घंटे के लिए भी आप इसे भिगो सकते हैं। चना देखिए पूरा फूल करके डबल हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे, इसका पानी पूरा निकाल देंगे। तो इसे मैंने छान लिया है। अब इसे एक कपड़े पर धूप में सूखने के लिए फैला देंगे। धूप में इसे मैंने 4 से 5 घंटे तक सुखाया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, तो 80% तक ही इसे हमने सुखाया है। अभी भी इसमें थोड़ा सा नमी है, इसको हमने इतना सुखाया है कि इसे तेज़ से दबाने पर ये इस तरह से टूट जाता है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसे पंखे के नीचे भी 5 से 6 घंटे तक फैला करके सुखा सकते हैं। अब हम चने को कढ़ाई में भूनेंगे। तो कढ़ाई मैंने यहाँ पे लोखंड का लिया है और इसे बहुत ही हीट कर लिया है। फिर उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम नमक लिया है। मैंने सेंधा नमक लिया है, आप कोई सा भी नमक ले सकते हैं। नमक की जगह पे आप बालू का भी यूज़ कर सकते हैं। अब नमक को भी हमें खूब तेज़ गर्म करना है, तो जब नमक खूब तेज़ गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें चने भूनेंगे। जब नमक तेज़ गर्म रहेगा तभी चने जो है वो अच्छे से भून पाएंगे। नमक गर्म है कि नहीं इसे चेक करने के लिए हम इसमें 2-4 चने डाल करके भून करके देख लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से भून जा रहा है, तो मतलब नमक बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। थोड़ी थोड़ी चने डाल करके हम इसे भून लेंगे। तो इस तरह से बराबर चलाते हुए हम चनों को भून लेंगे। जब ये चटकने लगे और चने फट जाए तो समझिए ये भून चुके हैं। तो ये देखिए चटकने लगे हैं अभी, तो ये हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए चने अच्छे से भून चुके हैं, ये फट भी गए हैं। तो अब हम इसे इस तरह से छान करके निकाल लेंगे। बाकी के चने को भी मैंने इसी तरह से भून लिया है। अब हमें इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। तो इसे मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर के जैसे पीस लिया है। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे, इससे जो भी छिलके होंगे वो निकल जाएंगे और बिल्कुल बारीक पाउडर इसका बन जाएगा। तो चने के सत्तू के बहुत से फायदे होते हैं और बहुत सी रेसिपी बनाई जाती है, जैसे चने के सत्तू का पराठा हो गया, सत्तू की कचौरी और सत्तू की लिट्टी चोखा तो बहुत ही फेमस रेसिपी है। गर्मियों में सत्तू का ड्रिंक भी बना करके बहुत पीते हैं, इसे गर्मियों में बहुत ही राहत मिलती है। सत्तू की कौन सी रेसिपी आपको पसंद आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो ये देखिए इसका हमने छिलका अलग कर लिया है और अब हम इस सत्तू को एयर टाइट जार में बंद करके रख देंगे। तो ये सत्तू की रेसिपी बन करके रेडी है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय।